दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi मोबाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, Redmi और Poco मोबाइल में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा है और ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई Redmi और Poco का मोबाइल है और उस मोबाइल में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वाला प्रॉब्लम है, मतलब आपका मोबाइल बंद हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उस मोबाइल को घर में कैसे ऑन कर सकते हो, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इधर देखिए, मेरे पास एक Redmi का Note 7 मोबाइल है और ये तीनों मॉडल आता है, Redmi Note 7, Note 7 S और Redmi Note 7 Pro। तीनों मॉडल तो सेम है, लेकिन आपको मैं स्पेसिफिक कोई एक Redmi या तो एक Poco मोबाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इधर हम बात कर रहे हैं कोई भी Redmi मोबाइल या तो कोई भी Poco मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उसको घर में कैसे ऑन करोगे। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए और देखिए, और अगर आपका मोबाइल ऑन हो जाता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में एक कुछ भी लिखना कि भाई मेरा मोबाइल जो है ऑन हो गया। देखो आप जब कमेंट करते हो ना कि मेरा मोबाइल ऑन हो गया बोल के, तो आपका जो ट्रिक है, मतलब मैंने जो वीडियो बनाया है, ये वीडियो जो मैंने बनाया है उसको देख के और भी लोग ट्राई करेंगे, तो उन लोग का भी सक्सेस होगा। तो आपका एक छोटा सा कमेंट में बहुत सारा राज छुपा रहता है, तो आप कमेंट जरूर करना। और अगर ऑन नहीं भी होता है तब भी आप कमेंट करना कि भाई मेरा नहीं हुआ, क्योंकि सबका नहीं होता है, खत्म। किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है, तो आप उसमें से कौन हो हमको भी पता चलना चाहिए। और आप लोग कमेंट करने से हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत ही मजा आता है और मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल है अभी आपको दिख रहा होगा ऑन है, तो इसको अगर हम लोग बंद करके ऑन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का मतलब पावर बटन दबाना पड़ेगा और उसके बाद उसको स्विच ऑफ करके या तो रिबूट करने से मोबाइल बंद होकर ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं अगर बोलूं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तीनों बटन दबा के रखने से ही आपका मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यही ट्रिक आप कीजिए। अगर आपका मोबाइल चल रहा है, डिस्प्ले का लाइट भी नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इनकमिंग कॉल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपका मोबाइल दिख नहीं रहा है, तो भी ये ट्रिक में आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा। और अगर आपका मोबाइल बंद हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है, तब भी ये ट्रिक से आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। पहले देखिए, ये तीनों बटन वॉल्यूम का, प्लस माइनस और पावर बटन, तीनों बटन के ऊपर मैंने ऐसे हाथ रखा और एक साथ ऐसे दबाया। देखिए मोबाइल अभी ऑन है, ठीक है। आपका अगर ऑन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके दबा के रखिए। देखिए मोबाइल बंद हुआ और फिर Redmi का लोगो आ गया। देखिए चार्ज नहीं है इसलिए Redmi का लोगो आके बंद हो गया। तो अगर आपका मोबाइल बंद हो चुका है तब भी ये ट्रिक से आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, दूसरा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका ये ट्रिक के बाद भी आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है तो किसी भी रिपेयरिंग शॉप में जाइए, उसको पहले बोलिए सॉफ्टवेयर करने के लिए। देखिए सॉफ्टवेयर जब करोगे तो आपका डाटा भले उड़ सकता है लेकिन आपका मोबाइल लगभग ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।